हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है जाबिर। आप देख रहे हैं टेक्निकल जाबिर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीएससी में एक नई सर्विस आई है एमओवीआर। तो हम जानेंगे कि यह सर्विस क्या है और इसका यूज कैसे करना है और इसका भीएलई भाई को इसका क्या लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप एक किसान भाई हैं और आप खेती बाड़ी से संबंधित कार्य करते हैं और उसके संबंधित आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में और देखिए इस जानकारी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे की जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने डीजीमेल में, अपने डीजीमेल को लॉगिन करते हैं और वहां पर देखते हैं कि इसमें क्या जानकारी इसके रिलेटेड आया हुआ है। फिर आगे के वीडियो में हम सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना डीजीमेल भी लॉगिन कर लेना है और डिजिटल सेवा पोर्टल भी आपको लॉगिन कर लेना है, साथ ही साथ दोनों लॉगिन कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर लॉगिन है तो मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करके लॉगिन हो जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने यहाँ पर डीजीमेल लॉगिन करता हूँ। तो ये सर्विस जो है हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल में लाइव कर दी गई है। इसके रिगार्डिंग एक मेल भी आया हुआ है डीजी मेल पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 फरवरी को यानी कि आज ही के टाइम में मेल आया है। और यहाँ पर जानते हैं इसके बारे में कि फुल डिटेल क्या है। तो आपको ये मेल ओपन कर लेना है और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लीड का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं एमओवीआर सर्विस अवेलेबल ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल डियर वैली, एमओबीआर सर्विस इज नाउ अवेलेबल ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल अंडर ट्रैवल सर्विसेज। तो आपको इसकी विशेष जानकारी के लिए यहाँ पर रीड मोर पे क्लिक करना है। आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप यहाँ से हिंदी में करके भी क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सर्विस आखिर है क्या। दोस्तों, यह एक ऐसा सर्विस है जिसमें किसान भाई अपने आसपास के किसानों के या किसी के कृषि से संबंधित उपकरणों को किराए पर ले सकते हैं और लेकर अपना काम कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई कृषि से संबंधित यंत्र है जिसका दाम जो है बहुत ज़्यादा है और कोई किसान भाई उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और उन किसान भाइयों को उस मशीन की ज़रूरत है, तो इस सर्विस के माध्यम से वे यहाँ से आकर अपने अच्छे दामों में, उचित दामों में इस सर्विस पर आकर अपना यंत्र जो है अपने आसपास के किसान भाइयों से ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ रेंटल देना होगा और जो किसान भाई अपना मशीन जो है रेंट पर देंगे उन्हें उसका लाभ मिलेगा। तो इस तरह से वो लोग क्या है कि ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, कम पैसे में ही दूसरा का सामान लेकर वो यूज कर लेंगे और जिसका सामान यूज करेंगे उसे कुछ जो है रेंट भी मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सर्विस काम करेगा, कुल मिला के एक लॉजिस्टिक पार्टनर के तौर पर काम करेगा, जैसे कुरियर सर्विस काम करता है सेम वैसा ही है। तो इसमें कृषि से संबंधित आधुनिक उपकरण जो है वो किराए पर लिया दिया जाएगा। तो जानते हैं इसके लिए आगे का क्या प्रोसेस है, लेने के लिए रजिस्ट्रेशन क्या है और डिजिटल सेवा पोर्टल में सर्विस कहाँ मिलेगी। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग को आना है ट्रैवल में, आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर ट्रैवल का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर हमने ट्रैवल पर क्लिक किया। अब आपको नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एम पे एमओवीआर रजिस्ट्रेशन एनईसी। यहाँ पर दूसरी तरफ में ऑप्शन दिया रहा है एमओवीआर रेंटल और ट्रांजेक्शन। तो ये दोनों एक ही पोर्टल पे ले जाएगा आपको। हम चलिए यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करके आपको उस पोर्टल पे ले चलते हैं। तो हम आ गए हैं एमओवीआर के पोर्टल पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉजिस्टिक मार्केट प्लेस एंड एक्सेस टू डिजिटलाइज लॉजिस्टिक एमओवीआर इज कॉम्प्रेहेंसिव एंड यूनिफाइड प्लेटफॉर्म डिजाइन टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेंटल सर्विस टू कस्टमर डिजिटली। आप यहाँ पर आके बहुत सारी इसकी जानकारियाँ जो है यहाँ पर दी गई है मेन वेबसाइट पर ही, आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वन स्टॉप शॉप है, एमओवीआर इज वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर लॉजिस्टिक नीड। कुल मिलाकर हमने अभी आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर किराया पर जो है सामान मिलेगा कृषि से संबंधित, वो भी आपके नज़दीकी आसपास सबसे नज़दीकी एरिया में जो लोग होंगे उनसे।
तो यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर लॉगिन करके यहाँ पर आप देख सकते हैं वीएल लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे आपसे आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर सीसी का आईडी और पासवर्ड डाल लेना है। फिर आपको साइन इन पर क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हम अपने जो एमओबीआर का पोर्टल है वहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। ये उसका डैशबोर्ड है, यहाँ पर एक ऐड करने के लिए दे रहा है क्रिएट यूजर, तो हम यहाँ पर एडमिन का यूजर क्रिएट करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिटेल लग रहा है, क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर एक यूजर नेम अपना बनाते हैं। हम यहाँ पर बना देते हैं यूजर टाइप में एडमिन ले लेते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम में सीएससी ही रहेगा। कॉन्टेक्ट डिटेल हम अपने पर डालते हैं, ईमेल आईडी डाल देते हैं। उसके बाद सीएससी आईडी डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एड्रेस पूछेगा, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना एड्रेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम यहाँ पर डालना है और एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालना है, गोपालगंज मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से ब्लॉक आपका डालना है, सिधवलिया। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिक यहाँ से उठा लिया है। अब आप यहाँ पर आपका एड्रेस जो है एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है एक डैशबोर्ड नया खुल जाएगा। आपका जो यूजर है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं डैशबोर्ड में 0 लाइव बिड, 0 बिड पेंडिंग फॉर फ्रीजी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको इनेबल कर दिए जाते हैं। तो आइए हम बाएं तरफ में देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को। तो यहाँ पर सब फर्स्ट में डैशबोर्ड है, उसके बाद से ऑर्डर मैनेजमेंट है। इसमें आपको क्लिक करने पर भी ऑर्डर डिटेल दिखाई देंगे। शिपमेंट मैनेजमेंट, इसमें शिपमेंट समरी दिखाई देगा। एसेट मैनेजमेंट है, उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है। यूजर मैनेजमेंट है, उसके बाद से पेमेंट है, व्यू पेमेंट, उसके बाद से सपोर्ट है। यहाँ पर आपको सपोर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ऑर्डर सपोर्ट में जाके आप यहाँ पर टिकट क्रिएट करके अपना डिटेल जो है जान सकते हैं, अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये था इसका जो मेन मेन डैशबोर्ड जो हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे थे। और उसके बाद से यहाँ पर सपोज कीजिए कि कोई किसान आता है और आपको बोलता है कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन इसमें कर दीजिए, तो आपको इसी पोर्टल पे आके जहाँ से हमने यूजर एडमिन रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ आपको यूजर रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद से उनको भी एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, वो लोग यहाँ पर लॉगिन करके अपना जो है ऑर्डर लगा सकेंगे और किराए पर सामान ले सकेंगे। तो कुल मिलाकर सीएससी की नई सर्विस थी जिसकी जानकारी हम आप लोगों को इसमें इस वीडियो में देने वाले थे, और हमने कोशिश की कि पूरी जानकारी आपको दी जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे वहाँ पर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो हम आप लोगों को देते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।